क्रीम पनीर और गाइस फ्रूट तो भूल गया मैं। तो गाइस हम बना रहे हैं अभी सब्जी, यहाँ ये पनीर की रेसिपी और अब बना रहे हैं रायता, बाकी मोस्टली चीजें सब रेडी ही होगी है। गुड मॉर्निंग, नम नम भाई सबको स्वागत आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज आने वाले हैं मेहमान हमारे घर पे, तो उनके लिए करनी है सारी प्रिपरेशन। सबसे पहले करते हैं नहाने की तैयारी, उसके बाद पूजा पाठ करनी है। पहले करते हैं स्नान और उसके बाद बताते हैं क्या क्या प्रिपरेशन हमने की है। गाइस जक्स तो गया हुआ खेलने बाहर और मैं तो नहा धो लिया क्योंकि हमें जाना था वहाँ फंक्शन में, तो निकलते हैं अब यहाँ से। रेडी तो हो चुका हूँ मैं, मैडम भी रेडी हो चुके हैं और चलते हैं पहले इसके मामा के घर। वहाँ पे गुड़िया रखी है उनके घर पे, तो वहीं पे हमारा आज का लंच है। तो अब चलते हैं पहले इसके मामा के घर और खाते हैं खाना। तो गाइस हम आ रहे हैं इसके मामा के घर से, और भाई वहाँ तो इसके मामा के जो लड़के की वाइफ है उसने तो भिगो दिया आज, कह रही अभी सीढ़ी सात तंबा की है तो अभी होली चलेगी सूख गया तो। और ये देखो पहुँच गया ऊपर, ये नहा दोगे आते ही अटैक होना इसके। कल खाई नहीं थी उस टाइम तो खेलने गया ना, अभी मैं आया तो ये नहाने की तैयारी में था, देख ले इसके काम। तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये देखिए भाई फुल। और इसके लिए जब्स के लिए कौन स्पेशल, नारियल पानी पसंद था तो इसके लिए मलाई अलग से निकलवाई, नारियल पानी अलग से लिया, हीरो है ये पूरा। क्रीम पनीर और गाइस फ्रूट तो भूल गया मैं, जाना पड़ेगा गाइस फ्रूट लेके आए थे वहीं भूल गए शायद शॉप पे ही, डोंट नो, एक बार देख के आता हूँ। गाइस फ्रूट तो वहीं भूल गया करा, अभी दिए तो भाई ने और दूध भी ले आया। अब बनाते हैं कुछ डिश दूध की और फ्रूट्स को काटते हैं। तो गाइस हम बना रहे हैं अभी सब्जी, यहाँ ये पनीर की रेसिपी चालू है और ट्विटर बना दिया है आज, एक साथ दो दो काम हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से। पनीर तो हमने फ्राई करके रख दिया है और भैया आए गए हैं सफाई करने, यहाँ की सब सफाई करवा दी है, बाकी बाहर की साइड की रहती है। गाइस ग्रेवी एकदम रेडी होने के कगार पे है और दाल हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। ये देखो कैसे अच्छे तरीके से पक रही है। गाइस सारी चीज़ें रेडी हो गई हमारी, ये पनीर की सब्जी, ये हमारी दाल, ये बनाया गाइस हमने आज फिर से कस्टर्ड फ्रूट मिल्क, ये भी रेडी हो गया बनके। और अब बना रहे हैं रायता, बाकी मोस्टली चीज़ें सब रेडी ही होगी है। तो गाइस मेहमान तो चले गए हैं और टाइम हो रखा 11 का, अब मौका मिला है खाना खाने का, भूख लग रही है अब खाते हैं खाना, थक गए पूरी बैंड बज गई और अर्ली मॉर्निंग कल चलना है शादी के लिए, फटाफट खा लेते हैं खाना और कल मिलते हैं नई वीडियो में। मैं मानो को भी नहीं मिलवा पाया आप लोगों से क्योंकि यार इतने काम में बिजी हो गए ना, सब याद ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम इतना कंफ्यूजिंग हो गया, इतना काम 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 एकदम से इतना प्रेशर हो गया, बस काम में ही जुट गए। पर उसके लिए सॉरी गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम हर हर महादेव।